फेसबुक पर नया आईडी कैसे बनाएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम साहू और आप लोग देख रहे हैं अपना इंटरेस्टिंग चैनल YT शिवम जोन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप फेसबुक पे एकदम नया फ्रेश अकाउंट कैसे बना सकते हो, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को प्रोफाइल पिक्चर और कवर पेज वगैरह सब कुछ ऐड करके दिखाने वाला हूं, और उस पर एक दो फोटो भी अपलोड करके दिखाने वाला हूं, जिससे आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि एक फेसबुक अकाउंट को या एक फेसबुक आईडी को किस तरीके से बनाया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर लेना, क्योंकि हम इसी तरीके की वीडियोस लाते रहते हैं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करिएगा, क्योंकि हमारा मोटिवेशन काफी ज्यादा बढ़ता है लाइक करने से आपके। तो चलिए दोस्तों, यहां पे शुरू करते हैं। आईडी बनाने के लिए आप लोगों को प्ले स्टोर पे फेसबुक को यहां पे डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहां पे आप लोगों को फेसबुक डाउनलोड कर लेना, इस तरीके से लिख करके यहां से डाउनलोड करने के बाद ओपन करना है। ठीक है, ओपन करने के बाद यहां पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को बताता हूँ किस तरीके से अकाउंट को बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को दोस्तों इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब आप लोगों को दोस्तों करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले ऊपर अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हो, अगर आपने पहले से अकाउंट बना रखा है तो। बट यहाँ पे हम लोगों को एक नया अकाउंट को बनाना है, तो वो किस तरीके से बनाएंगे हम सबसे पहले वो सीख लेते हैं। तो हम लोगों को दोस्तों करना क्या है, यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन दिख रहा होगा, क्रिएट अ न्यू अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, इस साउंड बॉक्स को मैं बंद कर देता हूँ, जरा इसको बंद करने पे ही भला है भाई। तो उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड के ऊपर सबसे पहले क्लिक कर लेते हैं। इसके ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट नेम डाल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम फर्स्ट नेम डाल लेते हैं गुरु। ठीक है, और गुरु डाल देते हैं, GARU होता है ना गुरु। उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम डाल देते हैं जी, गुरु जी। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे इतना काम हो गया हम लोगों का, उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक डेट ऑफ बर्थ आ गया, तो डेट ऑफ बर्थ हम लोगों को कुछ भी डाल देते हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा आपका आप डाल लीजिएगा। मैं एक एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं डाल रहा हूँ, कुछ भी डाल दे रहा हूँ अपने मन से। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ सेट कर दिया। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब आप लोगों को ये सिलेक्ट करना है आप मेल हो फीमेल हो क्या हो, तो यहाँ से मैं मेल सिलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि मैं मेल हूँ। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वाला जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, या आप चाहो तो ईमेल आईडी से भी साइन अप कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अपना एक मोबाइल नंबर ही डाल देते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना एक मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे यहाँ से एक पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो पासवर्ड कैसे डालना है, पासवर्ड आप लोगों को कुछ भी एक पासवर्ड डाल देना है जो यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो। तो मैं एक पासवर्ड डाल देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे फाइनली दोस्तों मैंने एक यहाँ पे पासवर्ड को एंटर कर दिया है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे मैंने एक पासवर्ड को एंटर कर दिया है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आप लोगों को बोलेगा आपको पासवर्ड सेव करना है फ़ोन में कि नहीं, तो हमको नहीं करना है, नोट नाउ पे क्लिक कर देते हैं। बस यहाँ पे इसका ये फेसबुक का टर्म एंड कंडीशन आ गया, इसके ऊपर आप लोगों को देखना है और यहाँ से आई एग्री के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, आई एग्री के ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे ना, यहाँ पे कुछ इस तरीके का थोड़ा देर लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने देते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे फेसबुक पे आईडी हमारा यहाँ से बन चुका है सक्सेसफुली। ठीक है, आईडी बन चुका है, बस अब आप लोगों को करना क्या है, इसके ऊपर एक प्रोफाइल पिक्चर लगाना है, कवर पेज लगाना है, फोटो वगैरह अपलोड करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे इसको थोड़ा लोडिंग ले लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मोबाइल नंबर कंफर्म करने के लिए आ रहा है। पहले तो मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को डाल देना है। रीएंटर हो गया अपने आप ही। ठीक है, रीएंटर हो गया, चलो भाई इसको रीएंटर हो जाने देते हैं। अब आप यहाँ से प्रोफाइल पिक्चर वगैरह बस आएगा, बस प्रोफाइल पिक्चर वगैरह डाल के आप लोगों को दिखा देते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा फेसबुक अकाउंट बन चुका है, अब प्रोफाइल पिक्चर लगा के दिखाता है। जैसे ऐड पिक्चर के ऊपर आप लोग क्लिक करोगे, यहाँ से कोई भी एक पिक्चर या तो आप गैलरी से ले सकते हो, तो अपना फोटो क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले चॉइस गैलरी के ऊपर क्लिक करके मैं एक फोटो ले लेता हूँ अपना। जैसे मैं अपना कौन सा फोटो लगाना चाहता हूँ भाई, किसमें मैं स्मार्ट दिख रहा हूँ, चलो ये फोटो लगा लेते हैं। ये फोटो लगाने के बाद यहाँ पे डन के ऊपर क्लिक करना है। बस यहाँ से हमारा देखो प्रोफाइल का जो पिक्चर है वो भी लग चुका है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, चलो ये डन हो रहा है, थोड़ा सा इंटरनेट एडजस्ट कर लेना दोस्तों। फाइनली यहाँ पे हमारा प्रोफाइल का पिक्चर भी लग चुका है, आप लोग देख सकते हो, वेलकम टू गुरु फेसबुक। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट का जो नंबर है वो जो है आप लोगों का अपने आप फ्रेंड लिस्ट में आने लगेगा, फ्रेंड लिस्ट के लिए सजेशन करेगा। तो इसको आप टर्न ऑन कर दोगे तो जो नंबर आपने सेव कर रखे ना उनका अकाउंट आपको फेसबुक पे दिखाने लगेगा। तो इसको हम फिलहाल यहाँ पे बंद कर देते हैं, तो यहाँ पे कर देते हैं नोट नाउ, आप लोगों की मर्जी, आप इसको कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो चलो इसको हटा देते हैं। अब यहाँ से आप लोगों को आएगा
कि आपका जो फ्रेंड्स वगैरह है उसको यहाँ से आप लोग रिक्वेस्ट भेज सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपकी मर्जी है, आप जिनको चाहो फ्रेंड भेज सकते हो, जो आपने मोबाइल नंबर डाला है ना उस हिसाब से आएगा आपको फ्रेंड भेजने के लिए फ्रेंड रिक्वेस्ट, ठीक है। तो इसको भी मैं स्किप कर देता हूँ, चलो यहाँ पे स्किप कर देते हैं। स्किप कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरीके से दिखाएगा, ये आपका फेसबुक अकाउंट है ना, तो यहाँ पे आप सेव या स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं नोट नाउ कर देता हूँ, ड्राई कर देता हूँ। अब आप लोगों को देखो यहाँ पे फोटो अपलोड करके दिखाता हूँ। जैसे अकाउंट है आपका, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जैसे आपको कोई फ़ोटो पोस्ट करना है, तो फ़ोटो पोस्ट करने के लिए आप लोगों को क्या करना है वो बता देता हूँ। फ़ोटो पोस्ट करने के लिए दोस्तों आप लोगों को होम पे आना है। होम पे आने के बाद यहाँ पे फ़ोटो वाला एक बटन दिख रहा होगा, ठीक है, फ़ोटो वाला बटन दिख रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे आप लोग क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं, इंस्टा मिल जाएगा। तो आप लोगों को फ़ोटो डालना है ना, तो फ़ोटो के ऊपर क्लिक करना है, कैमरा के ऊपर, और कोई भी एक फ़ोटो, जैसे ये फ़ोटो मुझे लगाना है तो उसके ऊपर क्लिक किया। अब इस फ़ोटो के बारे में हम लिखना है पहले कि किस किस को जाए, फ्रेंड के पास, पब्लिक, तो पब्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हो, जैसे मैं कुछ लिखना नहीं चाहता हूँ अभी, तो सिर्फ ये मैं इमोजी डाल देता हूँ। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, यहाँ जो पोस्ट वाला जो बटन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है, बस ये पोस्ट हो जाएगा। तो उसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब देखो यहाँ पे फ़ोटो भी पोस्ट हो जाएगा, ठीक है, बस ये फ़ोटो भी पोस्ट हो रहा है। आप देख सकते हो ये फ़ोटो भी पोस्ट हो चुका है। जैसे कोई चाहे तो मेरे पोस्ट को ऐसे लाइक भी कर सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोगों को फेसबुक अकाउंट बनाना है और कोई भी पोस्ट करना है।